स्वागत है दोस्तों एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में बात करेंगे भाई न्यू स्टेट के 2024 के अपडेट के बारे में, क्योंकि भाई 2024 शुरू हो चुका है और जैसा कि भाई न्यू स्टेट वालों ने प्रॉमिस किया था कि इस साल वो हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो है न्यू स्टेट के अंदर देने वाले हैं। तो आज मैं दो अपडेट आपको बताने वाला हूँ जो अभी भाई इस महीने में देखने को मिले हैं। जो मेजर अपडेट आता है भाई जनवरी का जो आने वाला है अभी 20-22 तारीख को, उससे पहले ही जो है हमें दो अपडेट देखने को मिले उसके बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि भाई चैनल के ऊपर इस तरह की वीडियो आती रहती हैं। तो कल न्यू स्टेट ने ये वाला वीडियो पोस्ट किया अपने जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है और हर जगह वहाँ पे ये पोस्ट किया, जिसमें भाई उन्होंने नए मैप का कुछ एक छोटा सा एक ट्रीजर टाइप तुम बोल सकते हो वहाँ पे उन्होंने ऐड किया है, और वो हमें दिखाने की कोशिश की है कि भाई तैयार हो जाओ, ये जो है हम नया मैप जो है वो आपको देने वाले हैं। अभी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है कि भाई इस नए मैप में क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली मैं बात बता दूं कि ये वाला जो नया मैप है ये भाई वैसे तो किसी तरह का कोई TDM वगैरह नहीं है, ये जो मैप है ये एक तरह से बैटल रॉयल है। और ये किस तरह से बैटल रॉयल होने वाला है, मे भी मुझे ऐसा लगता है कि इस बैटल रॉयल के अंदर आपको कुछ फाइंडिंग और कुछ स्केप वाला ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। और इसमें प्लेयर की अगर बात करूं तो जैसे नॉर्मली आप 64 प्लेयर वगैरह देखते हो बैटल रॉयल में या 100 देखते हो, इसमें आपको मे बी शायद उससे भी कम जो है प्लेयर देखने को मिले, मे बी शायद 4 टीम्स या 6 टीम ऐसे आपको देखने को मिले। और जो इस बैटल रॉयल का कॉन्सेप्ट रहने वाला है अभी तक जितने भी बैटल रॉयल आए हैं उनसे थोड़ा अलग रहने वाला है, जैसे ही भाई न्यू स्टेट ने बोला है कि भाई अपने डेव लेटर में उन्होंने बोला था ये वाला जो बैटल रॉयल हम रखने वाले हैं इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग रहेगा। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी देखने में कि भाई क्या हमें इस बैटल रॉयल के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि अगर इनका ये नए वाला कॉन्सेप्ट जिसकी बात कर रहे हैं कि ये बैटल रॉयल में आने वाला है नए मैप के साथ, अगर ये चल जाता है तो भाई ये न्यू स्टेट को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट देगा। और बहुत सारे प्लेयर जो भाई न्यू स्टेट वगैरह खेलते हैं वो भी भाई पूरी उम्मीद लगा के रखे हैं कि भाई इस साल जो है हमें कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें जो है न्यू स्टेट में देखने को मिले। तो अब बात कर लेते हैं दूसरे अपडेट की। तो जैसे कि भाई मैंने अभी कुछ टाइम पहले तुम्हें इस चीज़ का हिंट भी दिया था अपने लाइव स्ट्रीम के अंदर एक थंबनेल के थ्रू, बहुत सारे लोगों ने उसको समझ भी लिया था। तो एंड्रॉयड के अंदर जो है न्यू स्टेट का ऑफिशियल जो लोगो है वो चेंज हो चुका है, और ये काफ़ी वैसे अच्छी बात है न्यू स्टेट का अगर लोगो चेंज हुआ है, क्योंकि नए साल पे ये नई चीज़ें कर रहे हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई जो अभी लोडिंग स्क्रीन आती है न्यू स्टेट की वो भी उसके अंदर भी कुछ चेंजेस वगैरह देखने को मिले, क्योंकि वो लड़की जो मोटरसाइकिल पर बैठी है उसको भाई काफ़ी टाइम हो गया उस हमें देखते हुए, और एक ही चीज़ अगर आप बार बार देखते हो तो भाई बहुत ज़्यादा बोरियत भी आप लोगों को आ जाती है। तो एंड्रॉयड के अंदर अभी ये चीज़ चेंज हुई है, iOS के अंदर कब तक चेंज होगी अभी इसका भाई कोई भी अंदाज़ा नहीं है, मे बी शायद बहुत जल्दी चेंज हो जाएगी। जो अभी इन्होंने पिक चेंज करी है एंड्रॉयड स्टोर के अंदर वो इतनी हाई रेजोल्यूशन भी पिक नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी शायद इसको वो आने वाले टाइम में इसको भी चेंज कर देंगे। लेकिन ये काफ़ी अच्छी बात है कि हाँ ठीक है अब वो ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि ऐसी छोटी मोटी चीज़ों से ही जो है काफ़ी सारी चीज़ें इंप्रूव होती हैं, और लोगों का लोग जो बोर होने लग जाते हैं कि चीज़ को बार बार देखे उनका जो है थोड़ा इंटरेस्ट भी उससे कम हो जाता है, और ऐसी छोटी मोटी चीज़ों के अंदर वो अगर चेंजेस वगैरह करते हैं तो इससे भाई काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है गेम के ऊपर, और लोगों का जो है इंटरेस्ट भी बना रहता है। और एक कमेंट मेरे को कई बार आ रहा था लोगों का कि डेल्टा भाई आपने बोला था कि भाई जो वॉइस वाला ग्लिच है इतना बड़ा ग्लिच नहीं है, इजीली फिक्स हो जाएगा। तो उस ग्लिच के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जनवरी अपडेट जो आने वाला है मे बी ये काफ़ी अच्छा अपडेट जो है रहने वाला है, इसमें तुम्हें ये जो नया मैप है मे बी शायद खेलने को मिल जाए, और कुछ लोगों को एंट्री मिले कुछ को ना मिले ऐसा भी हो सकता है जैसा इन्होंने अकिंता के साथ किया था, मे बी शायद इसमें भी ऐसा हो सकता है, लेकिन ज़्यादा तुम्हें इसके लिए टाइम नहीं लगेगा। तो ये जो लास्ट टाइम इन्होंने फोटो दिया था ये कॉन्सेप्ट आर्ट था, और अभी इन लोगों ने इस मैप को डेवलप करने के लिए कितना टाइम लिया उसमें भाई थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न है, क्योंकि अगर ये काफ़ी टाइम पहले से डेवलप हो रहा है तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में हमें देखने को मिलेगा, लेकिन अगर इन्होंने एक दो महीने के अंदर ही ये चीज़ें करी हैं तो मे बी शायद स्टार्टिंग में तुम्हें बीटा फेज में या किसी और चीज़ में देखने को मिल सकता है, ग्लिचेज़ वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं। और वॉइस ग्लिच वाला जो सीन था उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही है क्योंकि जनवरी अपडेट जो है वो ये लोग काफ़ी अच्छा अपडेट रखने वाले, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं बताऊं तो जनवरी का अपडेट मे बी जो अभी तक अपडेट आया उनसे थोड़ा अच्छा रहने वाला है। तो देखते हैं जनवरी का अपडेट तब आएगा तब पता चलेगा, उसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे फुल डिटेल के साथ कि क्या क्या भाई हमें उस अपडेट के अंदर देखने को मिला है। तो जनवरी अपडेट की वजह से ही जो बड़ा अपडेट मे बी शायद आ जाएगा जनवरी का। तो यहाँ पर वो ग्लिच की बात करें तो वो छोटा मोटा ही था यार, इतना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन बात आ जाती है यहाँ पे भाई वर्कफोर्स आपके पास कितनी है, क्योंकि जनवरी का जो अपडेट आने वाला है ये अपडेट
इस साल का पहला अपडेट होने वाला है और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि न्यू स्टेट नहीं चाहेगा कि वो छोटा मोटा एक दो मिनट का अपडेट आपको बना के दे दे। इस साल वाला जो अपडेट आने वाला है 1 जनवरी का, मे भी शायद उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें तुम्हें देखने को मिलेगी। एक नई गन भी आने वाली है FWS, उसका भी कोई भाई इन्फॉर्मेशन नहीं है कब तक आएगी। मे भी शायद वो हमें एक नए बैटल रॉयल मैप के अंदर देखने को मिले। ये जो बैटल रॉयल आ रहा है इसके अंदर नहीं, इसके अलावा एक बैटल रॉयल या फिर एक मॉडिफाइड जो अपग्रेडेड वर्जन होगा, या आपका तुम उसको लेगना का बोल सकते हो या फिर तुम उसको बोल सकते हो ट्रॉय का, तो उसके अंदर में भी शायद देखने को मिले। लेकिन इस साल के अंदर 2 मैप में भी शायद और आने हैं, अभी वो देखते हैं वो कौन कौन से होने वाले हैं। इनकी इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं बता दूंगा। इस वाले मैप की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है कि यह किस तरह का होने वाला है। तो वर्कफोर्स की वजह से थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन अपडेट की बात करें वॉइस की उतना बड़ा कोई इशू नहीं था। तो भाई आई होप सो तुमको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।